पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करते हैं M&M का, जिसने अपनी पहली तिमाही के नतीजे तो जारी किए और ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया कंपनी ने। हालांकि आय के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था, पर आइए समझते हैं कि आगे के लिए क्या होगी कंपनी की ग्रोथ की रणनीति और किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी फ़िलहाल देख रही है। और इन सभी पे बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO महिंद्रा ग्रुप के मिस्टर ज्योति बरुआ जी जुड़ चुके हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इजीना स्वदेश पे। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये कार्यभार संभालने के बाद जो है पहली बार आपसे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो आपका स्वागत करेंगे। और साथ ही सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस नए पद के बाद क्या कुछ चेंजेस या स्ट्रैटेजीज लेकर आप आए हैं, क्योंकि M&M को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ फोकस एरियाज होंगे आपके, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज पे आप काम करेंगे, इसके बारे में बताइए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप CFO बन पाए हैं, तो बहुत खुश है उससे। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर है, तो मेरे लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं कैसे इस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन फ्लॉलेसली कर सकूं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिदम्स हो, ऐसे हमारे मेट्रिक्स हो जिसको हम मॉनिटर कर सके और जिसके कारण हमें पता लगे कि ये स्ट्रैटेजी ऑन ट्रैक है कि नहीं। तो इसके यही मेरा मेन फोकस रहेगा। और एक बहुत बड़ा फोकस एज ग्रुप CFO रहेगा कि हमारा गवर्नेंस कभी भी डाउन नहीं हो, क्योंकि एक चीज कंपनीज को डीरेल कर सकती है और वो है गवर्नेंस। तो उसमें भी बहुत फोकस रहता है मेरा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 50% ऑफ माई टाइम इज स्पेंट ऑन दैट। ठीक है, अमरज्योति जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, फार्म सेगमेंट आपके रेवेन्यू में एक बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है, आउटलुक क्या आप शेयर करना चाहेंगे? हालांकि मार्केट शेयर आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोई टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि अच्छा इतना मार्केट शेयर हम कर लेंगे आने वाले समय में? नहीं, एज सच कोई टारगेट नहीं है। देखिए, फार्म सेक्टर में लास्ट ईयर क्या हुआ था, मॉनसून्स के कारण और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून काफी वीक था, कई रीजन्स वेस्ट में इन पर्टिकुलर, और आप देखें तो साउथ में काफ़ी फार्मर्स के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मॉनसून बहुत, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक था। तो सेकेंड हाफ अगर आप देखें 2024 फिस्कल 24 का, तो फार्म के लिए काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था। अभी हमें जो दिख रहा है, एटलीस्ट इनिशियल जो साइंस है वो है कि मॉनसून नॉर्मल होगा और मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। अभी भी दो तीन रीजन्स हैं जिसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट में अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी मॉनसून प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन साउथ में मॉनसून नॉर्मल है अभी तक, और उसके कारण ही हमें थोड़ा ऑप्टिमिज्म हो रहा है। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि ये हमारे फार्म सेक्टर में हमने कोई एज सच टारगेट मार्केट शेयर नहीं रखा है, लेकिन मार्केट लीडरशिप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम थोड़ा ना पाथ ब्रेकिंग करें, और इस यही हमारा फोकस रहता है। और आप अगर देखें जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नया स्वराज का जो लॉन्च हुआ, उससे स्वराज को बहुत बेनिफिट मिला है ब्रांड को, सो उससे मार्केट शेयर गेंस हुए हैं। तो हमारे हमेशा यही एंडेवर रहता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकें, पाथ ब्रेकिंग हो सके फार्म में, और वही ऑब्जेक्टिव है। एज सच कोई नंबर टारगेट नहीं है मार्केट शेयर। सर, एक चीज़ मैं वापस ऑटो पे आपके डिवीजन पे आना चाहूँगा। 9.5% का जो मार्जिन है, एबिट मार्जिन, वो आप उसको कैसे मेंटेन रखेंगे जबकि आपने थोड़ा प्राइस कट भी किया है? देखिए, 3XO एक ऐसे सेगमेंट में है जो बहुत ही कंपेरेटिव है, और उसमें बहुत जरूरी था हमें कि हम वो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस करें और एट द प्राइस पॉइंट जो अट्रैक्टिव हो। तो हमने इंट्रोड्यूस उसमें किया है, जैसे वो प्रोडक्ट बढ़ेगा और जिस तरह से हम रिस्पांस मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी अडाप्ट करेंगे, और एक्सपेक्टेशन है कि जब वॉल्यूम्स आएंगे तो उसका जो मिक्स इंपैक्ट है वो भी रिड्यूस होगा,
एक चीज हम अच्छी तरह कर पाते हैं वो है हम अपने कॉस्ट पॉइंट काफी लो रख सकते हैं और स्केल के साथ वो और स्ट्रांग हो जाता है ये एबिलिटी टू कंट्रोल कॉस्ट। तो इसीलिए पहला पहला फर्स्ट पार्ट इज कि आप कैसे उसमें वॉल्यूम करें और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम वहां पे मार्जिन्स भी ला पाए। और मैं दूसरी बात ये बोलूंगा, आपने पूछा कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा मार्जिन्स में, देखिए ये सब प्लान के अकॉर्डिंग है तो ऐसा कुछ अनप्लान्ड मार्जिन इम्पैक्ट नहीं आया है। सो हमें नहीं लगता है ऐसा एटलीस्ट अभी इनिशियली कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम ऑटो के मार्जिन से काफी खुश हैं और काफी काफी ऑप्टिमिस्टिक। परमज्योति जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अभी XUV700 का प्राइस कट हुआ और साथ ही साथ आपने पहले भी बताया था कि आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि थोड़े अफोर्डेबल बनाएं अपने आप अपने सेगमेंट्स, पर क्या आने वाले समय में कंपनी ओपन रहेगी और भी ऐसे कुछ डिस्काउंट्स के लिए या फिर प्राइस कट्स के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि जितने टॉप एंड वेरियंट्स हैं क्या उनमें आगे चल के हम कोई और ऐसे अनाउंसमेंट्स देखें? देखिए हमारे ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है कि इसी ये सारे हाई एंड मॉडल्स में हम प्राइस कट करेंगे या कुछ ऐसा। XUV700 में एक बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी लेआउट हुआ था फरवरी में कि XUV700 सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण सिर्फ हायर एंड वेरिएंट बिक रही थी और जैसे जैसे हमारे सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रिमूव हुए हैं हमने बोला है कि हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ज्यादा अचीवेबल हो टू द ब्रॉडर मार्केट। तो इसीलिए ये प्राइस रिडक्शन ऑलरेडी फरवरी में ही अनाउंस किया गया था कि हम ऐसे कुछ एक्शंस लेंगे और अकॉर्डिंगली हमने वो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट की है। तो अगर किसी और मॉडल में ये ट्रेड ऑफ करना पड़े कि आप वॉल्यूम चाहिए या कुछ और सेगमेंट नए सेगमेंट में हम घुसना चाहते हैं तब ये डिसीजंस ले सकते हैं। बट एज सच कोई ब्रॉड स्ट्रेटेजी नहीं है कि हायर एंड वेरिएंट्स में हम लोग प्राइस रिडक्शन देंगे। अमरज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इंडस्ट्री के आउटलुक पर, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।